हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी टिप। आज से हम IBPS क्लर्क की प्री और मेंस के मैथ की क्लास चालू कर रहे हैं। इसमें आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन के बारे में सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेंगे। आज ये क्लास वन है। आज इसमें हम कुछ सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमारे पास हेडिंग, कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी गई है। उसमें कहा गया है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन मार्क जो वहाँ पर दिया गया है उस जगह हमें क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी और हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। लाइक जैसे हमारे पास 71.9 दिया है, तो 71.9 को हम 71.9 नहीं लिखेंगे, हम इसे 72 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अब जैसे अगर ये 71.4 होता तो हम इसे क्या लिखते, इसे हम 71 लिखते। क्योंकि अगर 0.5 मतलब दशमलव के बाद में, ये जो पॉइंट है इसके बाद में अगर 5 से ज़्यादा है तो हम इसे प्लस एक कर देते हैं, अगर हमारे पास 5 से कम है तो इसे माइनस एक कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, माइनस एक। जैसे 71.4 था उसे हमने 71 कर दिया, मतलब इसको माइनस में इसको हटा दिया, मतलब उसे एग्जैक्ट लिख दिया। लेकिन अगर 71.9 था तो उसे मैं 0.9 को हटा दिया और इसे 72 कर दिया, प्लस एक करके हमने उसे लिख दिया। चलो हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कुछ दिए गए। इसके लिए हमें जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं उसमें हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं बॉड मास। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास का कुछ रूल होते हैं। ये एक रूल है, इसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। बी से मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट होगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। ऑफ का मतलब ऑफ है, ऑफ से कोई मतलब नहीं। उसके बाद डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद एडिशन, ए से मतलब एडिशन, ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये सब हमें इसमें करना है। तो ये है हमारा बॉड मास। तो ये रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। अगर कहीं भी ब्रैकेट दिया होगा तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी क्या देखेंगे, डीए में से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट तो दिया नहीं है। अब ब्रैकेट नहीं दिया तो सबसे पहले हमारे पास डिवाइड सॉल्व होगा। डिवाइड में कहाँ है, 4, 5, 6 अपॉन 24। तो सबसे पहले 4, 5, 6 अपॉन 24 इंटू 38 माइनस 958 प्लस 364। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। 24 से हम इसे डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर हम दो दो का, तीन का, चार से काट के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले सीधा सिंपल तरीका है, अगर इसे सिंपल फॉर्म में लेके आओ। सिंपल फॉर्म में कैसे लेके आए, तो इसे काटना है। अगर आपको 24 का पारा याद है तो आप इसे 24 से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 24 का पारा याद नहीं है तो आपको पहले इसे 2 से काटना होगा, इसे सिंपल फॉर्म में लेके आना होगा जो आपके लिए ठीक हो। तो मुझे 24 का पारा याद है तो मैं 24 से डायरेक्ट कर सकता हूँ और हमें पता भी पड़ जाएगा। और हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि क्या पॉइंट में आ जाए तो उसे हम पॉइंट में रखें, तो हम सीधा काट भी सकते हैं। ठीक है, तो 24 से काटते हैं तो 24 इंटू 2 48 होता है, लेकिन यहाँ 45 है तो 45 ज़्यादा हो जाता है 24, तो हम लेंगे 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 21 बचा। अब 21 बचा, अगले क्या है, 6, तो 216 ये हो गया। 216 हमारा 24 से कितने आता है, 9 पे आता है। 24 इंटू 9 करने पर 216 आता है, तो ये डायरेक्ट सीधा कट गया 24 से 456। 19 इंटू 38 माइनस 9 58 प्लस 364,
अब 19 इंटू 38, तो इसे हम 38 को 19 इंटू 2 लिख सकते हैं, 19 इंटू 2। अब 19 इंटू 19 कितना होता है, 361। 361 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, वो आएगा 722। 722 माइनस 958 प्लस 364। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करने होंगे, ऐड वाले को 426, 6 में से 8 नहीं जाता, तो इसे हम सिंगल वाली डिजिट को एक एक करके हम डायरेक्ट सीधा कर देते हैं, या फिर पहले आप ऐड कर लीजिए फिर डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हम डायरेक्ट एक साथ कर देते हैं। इसमें क्या आएगा, 2 प्लस 4 कितना है, 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हम 81 लो ले लेंगे, तो कितना बचा हमारे पास, 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा। अब बचा यहाँ पे 81 हमने दे दी थी ना, तो 1 और 6 7, 7 में से 5 में तो 2, फिर 7 और 3 10, 10 में से 9 गए तो 1, तो हमारे पास आंसर आया 128। 128 किस ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इस क्वेश्चन में क्या है कि 5616 अपॉन 18 अपॉन 8, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जब दो 8 अपॉन में दिए गए हो तो वो नीचे अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये सिंपल है, इसे भी देख लेते हैं। 5616 अपॉन 18 इंटू 8, ठीक है, तो हम या तो 8 से काट लो पहले या 18 से डिवाइड कर लो, तो सबसे पहले 8 से काट लेते हैं, तो 8 से काटते हैं तो कितना आएगा, 8 7 56। अब एक में तो नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा एक में, ठीक है, 8 16 16 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 702। अब 702 में भी 18 का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे 3 4 72, 4 बार ज़्यादा हो जाता है, और 38 36 होता है, 3 बार जाएगा, 54 होता है सॉरी, तो 3 बार जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास हो जाए 16, हमारे पास कितना बचा, 16 बचा। अब 16 आगे क्या है, 2, तो 162, 162 कितने पे होता है, हमारे पास है 16, आगे कितना है, 2, तो 162, तो ये बचा 162, तो 162 कितने पे होता है, ये होता है 90 पे, 18 × 9 करने पर कितना आता है, 162, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, 39 नंबर हमारे पे क्या है, बी इज द आंसर हो गया। ये हमारी जो है जो ये क्वेश्चन से वो सिंपल क्वेश्चन है, हम सिंपल क्वेश्चन से मतलब सिंपल लेवल से हार्ड लेवल की ओर भागेंगे, जिससे मेंस में भी दिक्कत ना हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये दिया गया 85410 प्लस 36885 प्लस 24705, ये क्वेश्चन में दिया गया और भाग दिया गया 161। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉड मास का रूल कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास ना तो डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है ना सब तक, तो हमारे पास सीधा ऐड वाला है, तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 0 प्लस 5 प्लस 5 0 आ जाएगा, हंसी लगेगी, एक ये हंसी लगेगी 8 और 1 9, 9 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 और 1 हासिल भी तो थी, हाँ सॉरी, तो 1 हासिल हो गई तो 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 हासिल लगेगी, 5 5 7 और 8 तो 20 हो जाएगा, 20 की 0 आ जाएगी, 2 हासिल लग जाएगी, अब 5 6 और 4 तो 17, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 हासिल लगेगी, 9 और 3 12 और 2 14, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब इसमें भाग है 1600 का, 1600 का भाग देंगे, उससे पहले 2 0 से 2 0 करिए, अब 16 को भाग देंगे 1470 में, 16 को भाग देंगे सबसे पहले हम या तो इसे आप काट लीजिए या फिर सीधा भाग भी देंगे, हम काट भी लेते हैं, 8 2 से काटा तो ये हो गया 735, ठीक है। अब 735 जो आया इसमें हम 8 का भाग दे लेते, 8 9 72 होता है, तो अब बचा हमारे पास 15 15 में नहीं जाता, तो हम एक बार देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, अब 7 में नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्या लगा लिया हमने, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद ये हो गया हमारे पास जाएगा 8 बार जाएगा, अब हमारे पास 91.8 आया, 91.8 को हम 92 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 92 हो जाएगा अभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें 12.5 × 14 डिवाइड 8.75 + 12 इज इक्वल टू 20 प्लस प्रश्न वाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो हमें सबसे पहले 0.5 0.75 इनको सॉल्व करना होगा। तो 12.5 जो है, 12.5 को हम क्या ले सकते हैं, इसे हम 2 से ऊपर गुणा करें, 2 से नीचे करें, तो इसे क्या ले सकते हैं 25/2, या फिर हम सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि 125/100 उसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। तो सीधे हम 25/2 ही लिख लेते हैं। उसी प्रकार 8.75 है, इसे हम 0.75 होता है, 0.75 को क्या ले सकते हैं 3/4, तो हम इसे क्या सकते हैं कि इसे क्या कहेंगे हम 35/4 कर सकते हैं कि 8 × 24 और 8 × 32 और 3 × 35 35/4 ये 35/4 हो गया, ये 25/2 हो गया। तो इसे हम लिखते हैं 12.5 को हम क्या लिखेंगे 25/2 इंटू में 14, 8.75 है, इसे क्या लिखेंगे हम 35/4 प्लस में 12 इजकल टू 20 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे काट लेते हैं, लेकिन हमारे पास उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे हमें ये 4/35 आएगा, क्योंकि वो था ना भाग डिवाइड था, डिवाइड को चेंज करेंगे तो 4/35 हो जाएगा। तो ये 5 से गया, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, और ये गया 2 × 4, और ये 7 से 2 बार गया, तो 5 × 10 = 20, 20 + 12 = 20 प्लस क्वेश्चन मार्क। 20 से 20 गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 12 आ गया, 12 हमारे पास सी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें गया प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क इनटू 5 × 3.5 + 6 × 7.5, ये हमारे ब्रैकेट में इजिकल टू 2 4 2 2 0। तो अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉड मास है कटिंग, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट में सीधा सिंपल हमारे पास एक एयर है, एक एडिशन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। एडिशन में क्या क्या 5 5 0 0 3 और 7 10 और 1 हासिल, तो 11 आ जाएगा, तो 1 हासिल लगेगी हमारी, 8 और 10 10 और 1 एक हासिल लगेगी, 5 6 11 और 1 12। अब इनटू में हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है और इजिकल टू 2 4 2 2 0 है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 2 4 2 2 0 बटे। अब 12 11 जो है मल्टीप्लाई में जब ये 95 करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा 12। अब 12 इससे सिंपल कर सके, 12 दो बार कर जाएगा और 0 बचे हमारे पास, तो 20 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमारे डी में है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कोई ब्रैकेट नहीं है, सीधा सिंपल है, डिवाइड दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया है। डिवाइड दिया गया तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 5 6 1 0 हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो 35 को हम 35.0625 को क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे इंटू 25, सिंपल काट लो 5 7 35, 5 5 = 25, 7 8 56। अब 7 8 56 हो गया, अब एक में देंगे एक में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 10 बचा तो 10 में क्या आएगा, एक बढ़ जाएगा, फिर पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में क्या आएगा 3 7 6 28 4 आएगा, मतलब तो हम इसे 800 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, और इंटू 5 लिख सकते हैं, 8 5 = 40, ये 4000 हमारे करेक्ट ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 184 डिवाइड 46 डिवाइड 0.008 डिवाइड 12.5 को 25/2 लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। 184 अपॉन 46 है। अब 0.008 अगर हम पॉइंट को हटाएं तो 8 लिखेंगे और बटे 1000 लिखेंगे और 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 हमने यहाँ लिख दिया। अब 12.5 को 25/2 लिख सकते हैं, तो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जैसे जैसे तक काट लो, 2 से गए 4 बार, 4 से गए 2 से गया 8 बार, 2 चक 8, 4 2 चौक 16 और ये 46, ये 46 बार जाएगा, 46 से 46 कट जाएगा, 25 चौका 100 और 0 बचे, तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसमें 4270/122 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 4270/122 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200। तो अभी से हम सीधे सीधे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये 4270 है तो 12 से हम 42 को भी डिवाइड करते हैं, तो 12 चार बार तो ज़्यादा हो जाता है, 3 बार जाता है, तो हम 3 बार डिवाइड कर लेते हैं। 122 × 3 कितना होता है, ये होता है 3, 6 और 6, ये तो सही है। 4 बार ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार ही काट लेते हैं। फिर इसके बाद 427 से 366 गया तो कितना बचता है, 1, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 0 हमारी बचती है तो 610 हो गया। 610 122 पे कितना होता है, 5 में मल्टीप्लाई होता है तो 35 कितना बार गया, यहाँ पे आ गया। अब 35 में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200 है, क्वेश्चन मार्क। अब 35 को जब इधर लेके जाएंगे तो 200 - 35 हो जाएगा। 200 - 35 कितना होता है, 165। 165 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे करेक्ट ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2222.5 - 1680 × 0.1। ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, डिवाइड है नहीं, इसका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 0.75 है, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखा था। तो 6080 × 3/4 इसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा उसे हम 2 2 2.5 में से कटा देंगे और उसे 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौक 16, 4 2 8, ये 420 आया और ये आ गया 3 2 6 4 3 12 1260। अब 1260 को 2222.5 से डिवाइड माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना आएगा, 0.5, 2 का 2 ये और ये 6, ये आ जाएगा 9, तो 962.5 आ गया। अब इसे हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो आना है वो आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और फिर 0 आ जाएगी, फिर 5 और फिर 115 और ये 2 दशमलव है तो दशमलव को हम हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1155। 1155 किस ऑप्शन में है, ई ऑप्शन में, तो ई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 × 168/14 - 40 = क्वेश्चन मार्क प्लस 110। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, 20 × 168/40 = (+110). तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, 14 से ये कट जाएगा, 14 × 14 = 14, 14 = 28, 12 बार, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 240 में से 40 गया तो
तो ये आ गया क्वेश्चन मार्क प्लस 110, तो ये आया 200 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 110। एक 110 को हम पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 110, तो ये कितना आ जाएगा 90 क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 90 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज हमने सिंपल से सिंपलीफिकेशन की कुछ ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। हम धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आपके लिए मेंस तक का लेवल लेके जाएंगे। तो यहीं हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और आप हमें कुछ भी कोई भी वीडियो चाहते हो स्पेशल मैथ में कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमारे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं उस चीज़ को। और